और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कुछ खास बड़ी खबरों से। गाजीपुर के जिला अस्पताल में स्वाभिमान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर देवेश सिंह के नेतृत्व में दर्जनों सदस्यों, गरीब मजलूम और जरूरतमंदों के लिए आज रक्तदान किया गया। इस दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर देवेश सिंह ने बताया कि आज विश्व रक्तदान दिवस है और संगठन के दर्जनों सदस्यों ने रक्तदान किया है। ये संगठन गाजीपुर समेत पूरे पूर्वांचल में पिछले 5 साल से गरीब मजलूम लोगों के बीच मददगार साबित हो रही है। चाहे कोरोना महामारी में भूखे गरीब लोगों को भोजन कराने की बात हो, चाहे पीड़ितों की मदद करने के लिए आगे आ रहा हो, लगातार गाजीपुर समेत पूरे पूर्वांचल में संगठन काम कर रही है। ये संगठन बिना किसी की मदद के संगठन के सदस्यों के द्वारा कार्य किया जा रहा है। संगठन के सदस्य अपनी जेब खर्च को कम करके उसके माध्यम से लोगों की मदद करने में जुटी हुई है। इस संगठन में तकरीबन 1000 सदस्य शामिल हैं। ये संगठन लोगों के स्वाभिमान की लड़ाई भी लड़ने का काम करती है। आज संगठन के दर्जनों सदस्य जरूरतमंद और गरीबों की मदद के लिए रक्तदान करने का काम किया। वहीं विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर गाजीपुर के जिला अस्पताल में कई संगठन और इच्छुक रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। जिला अस्पताल की तरफ से सभी रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र भी दिया गया। इस दौरान एक संगठन के सदस्य पूर्व प्रधान बसुचक मनोज सिंह ने कहा कि रक्तदान महादान माना जाता है, क्योंकि आपके इस दान से किसी की जिंदगी बच सकती है या ब्लड जरूरतमंदों के काम आ सके, इसलिए आज रक्तदान किया गया। रक्तदान से किसी भी प्रकार की व्यक्ति की सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि किसी की जिंदगी बचाई जा सकती है। वही ब्लड बैंक के बीबीडी के पद पर कार्य कर रहे साकेत सिंह ने बताया कि सब लोग जानते हैं कि रक्तदान महादान है। आज विश्व रक्तदान दिवस है। आज के दिन दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए लोग रक्तदान करते हैं। आज स्वाभिमान संगठन के दर्जनों सदस्यों ने रक्तदान किया। इस दौरान साकेत सिंह ने यह भी बताया, ये संगठन लगातार ब्लड डोनेशन का कार्य करता है। मेरी सिफारिश पर संगठन के सदस्यों को कभी भी वाराणसी या गाजीपुर में जरूरत पड़ने पर 25-30 सदस्य कभी भी बुलाने पर मौजूद रहे। मनोज कुमार सिंह, पूर्व प्रधान बासुचक। आज विश्व रक्तदान दिवस है और इसके लिए हम लोग का एक संगठन है, स्वाभिमान संगठन, जो हर वक्त सामाजिक कार्य के लिए और रक्तदान के लिए जो भी आवश्यकता पड़ती है समाज की, हम लोग सदैव तत्पर रहते हैं। किसी भी संकट, किसी भी समय, किसी भी मौका पर अगर बुलाया जाए तो हमारे संगठन के लोग एनी टाइम रक्तदान से लेके और अन्य सहयोग जो भी पड़ता है हम लोग बराबर करते रहते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि हमारे जिला के लोग जो भी सक्षम है रक्तदान देने के लिए, उनको रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि एक जिंदगी का सवाल होता है। कभी कभी हम लोग देखें हॉस्पिटल में जा करके कि डर से बहुत ऐसे लोग हैं जिसके परिवार के भी लोग बीमार हैं, मगर वो अपना ब्लड नहीं देना चाहते हैं। तो इसमें जागरूकता होनी चाहिए कि ब्लड देना कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बल्कि ब्लड से शरीर स्वस्थ होती है और आदमी स्ट्रांग होता है। इससे डरना नहीं चाहिए, हर किसी को मौके पर ब्लड दान करना चाहिए ताकि किसी की ज़िंदगी बचाई जा सके। मैं डॉक्टर देवेश सिंह, अध्यक्ष स्वाभिमान संगठन। आज विश्व रक्तदाता दिवस है, हम लोगों को जानकारी हुई और ये भी था कि धीरे प्रचंड गर्मी के कारण बहुत लोगों को समस्याएं हो रही थी और ब्लड की कमी थी, इसलिए हम लोग बहुत अच्छा दिन इसी को समझे और विश्व रक्तदाता दिवस के दिन रक्तदान करने के लिए का निश्चय किए। और हाँ, आज हम लोग करीब 1.5 दर्जन लोग यहाँ रक्तदान कर रहे हैं। ज़रूरत जब जब पड़ेगी जिले को, तब तब हमारे 20-25 लोग हमेशा तैयार रहेंगे, एकदम सूचना पर 2-3 घंटे के अंदर पहुँच के ज़रूरत के अनुसार रक्तदान करेंगे। हम लोग समाज सेवा के लिए ये संगठन बना है, साथ ही अपने साथियों के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए। हम लोग हर साल पिछले 3 वर्षों से संगठन के लोग जरूरत पड़ने पर रक्तदान करते हैं और साल में 2 बार तो यहीं रक्तदान करते हैं, उसके बाद वाराणसी जरूरत पड़ती है तो कैंसर अस्पताल, जहाँ जहाँ दुर्घटनाएँ हो जाती है अपने जानने वालों की, परिचितों की, उनको भी हम लोग जरूरत जहाँ पड़ती है तुरंत रक्तदान के लिए 10-20 लोग खड़े रहते हैं। हमारे संगठन में करीब इस समय 1000 लोग हैं और बनारस, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, जब किसी को कोई आवश्यकता होती है संगठन के साथी हमेशा तैयार रहते हैं। जैसे कोरोना का समय था, उस समय जब लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे तो हम लोग अन्न इकट्ठा करके अन्न देते थे, यही नहीं जगह जगह भोजन बनवा के भोजन का पैकेट भी लोगों को देते थे।
और जब भीषण महामारी हो गई, लोग मरने लगे, उस समय ये देखा जा रहा था कि घाटों की लकड़ी नहीं है, तो उस समय हम संगठन के लोग कटवा की सूखी लकड़ियाँ भी घाटों तक पहुँचवाए। इसी तरह से कटान की समस्या हुई, जो भी जनता की समस्याएं होती हैं जिस पर नेताओं का ध्यान नहीं रहता है, चाहे वोट की राजनीति से राजनीतिक दल बहुत उसको महत्व नहीं देते, उसके लिए संगठन खड़ा रहता है और उन समस्याओं के निदान के लिए हम लोग संघर्ष करते हैं। जी, बाढ़ की समस्या हमेशा रहती है, उसके लिए हम लोग अधिकारियों को हमेशा बताते हैं, और बाढ़ के समय संगठन के सारे लोग हमेशा मुस्तैद रहते हैं, नावों पे वो सवार होके लोगों को भोजन की व्यवस्था करनी है तो भोजन, फिर हमेशा सबको बताना कि कहाँ किसको क्या आवश्यकता है, कहाँ किस कहाँ पानी नहीं है, कहाँ के लोगों को नाव नहीं मिल रही है, कहाँ घर गिरे हैं, हमेशा प्रशासन के लोगों को हम लोग बताते हैं। हम लोग संगठन के सारे सदस्य जब किसी काम की जरूरत हो, किसी को जरूरत होती है, चाहे कंबल वितरण हो, चाहे कोई अन्य कार्य हो, तो सारे लोग सहयोग करते हैं, और 100 रुपये से लेके 1-2 हज़ार 5 हज़ार रुपये तक सब लोग सहयोग करते हैं, इसलिए बहुत धन हो जाता है, पर्याप्त धन हो जाता है, और लोगों की सेवा कर देते हैं हम लोग, पैकेट खर्चे में कमी करके, और मंथली भी कुछ लोग सहयोग करते हैं, हर महीने 200-500 रुपये बहुत लोग हैं जो देते हैं अपने खर्च की कटौती करके कि लोक कल्याण के लिए यह धन काम में आए। सर, मैं साकेत सिंह, जिला चिकित्सालय रक्तकोष में VVD असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हूँ। रक्तदान महादान है, ये आप लोग जानते हैं, और जो ये स्वाभिमान संगठन है, ये कोविड काल से लेकर और अब तक लगातार हर 3 महीने पे स्वेच्छा से 25 से 30 लोग बिना किसी रुकावट के, जब हम फ़ोन करते हैं, जब भी ज़रूरत होती है, 25-30 लोग तुरंत आते हैं और बिना प्लान के ब्लड दे के 25-30 यूनिट चले जाते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि हम रात में भी अगर फ़ोन करते हैं, इमरजेंसी ज़रूरत है बनारस में, तो भी ये लोग पहुँच के वहाँ मदद करते हैं। ऐसे में अगर हम बात करें जिला अस्पताल में, तो क्या स्थिति है इस समय? सर, 48 यूनिट ब्लड अवेलेबल है हमारे पास है स्टॉक में, और जो कैंप है, कैंप चल रहा, करीब 20-25 यूनिट आ गए, तो हमारे पास इस समय 70 का स्टॉक ऑलरेडी हो जाएगा। आज जिला चिकित्सालय में विश्व रक्तदान दिवस मनाया जा रहा है, और विभिन्न संगठनों द्वारा भी कैंप भी लगाया गया है डोनेशन का, और रक्तदान करने से किसी भी तरह की कोई कमजोरी नहीं आती है। ये भ्रांति है कि हमारे कमजोरी है, हमारा ब्लड नहीं है, ये इस तरह की भ्रांति होती है, लेकिन ब्लड देने से आपका और ब्लड फ्रेश ब्लड बनने से और मजबूती शरीर में आती है। हर 4 महीने पर दिया जा सकता है रक्तदान, और इसमें किसी भी प्रकार का डरना नहीं चाहिए कि किसी पर कमजोरी आएगी या हमारा काम नहीं कर पाएंगे हम आगे चल के, ऐसा कुछ नहीं। जिला अस्पताल में हमेशा हमारे पास 35-40 यूनिट स्टॉक में रहते ही हैं, जो हम लोग HIV के मरीजों में, कैंसर के मरीजों में, डायलिसिस के मरीजों में, गर्भवती महिलाओं को जिसमें प्राथमिकता के तौर पर दिया जाता है, और रक्तदान से इन सब की भलाई होने से हम कितने लोगों की जान बचा ले रहे हैं, कितने मरीजों की रक्तदान से जान बच जाती है। तो ये रक्तदान महादान है, इसमें सभी लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, 18 साल से 55-60 साल तक दिया जा सकता है। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।